बड़ी और अहम खबर इस बीच आ रही है, नूह हिंसा के बाद ताबड़तोड़ एक्शन। जी हां, ताबड़तोड़ एक्शन पुलिस की तरफ से। आरोपी ओसामा से पुलिस के मुठभेड़, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आरोपी ओसामा उर्फ पहलवान गिरफ्तार कर लिया गया है, तो आरोपी के पैर में गोली लगी है, उसे भर्ती करवाया गया अस्पताल में, इस वक्त की बड़ी खबर। नलड़ा गांगजेली में वांछित था यह आरोपी, जिसे पकड़ा गया है। देसी कट्टा, खाली रौंद और साथ ही बाइक बरामद की गई इसके पास से। नू हिंसा के बाद ताबड़तोड़ पुलिस का एक्शन जारी है। आरोपी ओसामा से पुलिस की मुठभेड़ हुई है, ये बड़ी खबर नू से आ रही है। आरोपी ओसामा उर्फ पहलवान को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के पैर में गोली लगी है, उसे भर्ती करवा दिया गया अस्पताल में। बड़ी और अहम जानकारी, नलहड़ आगजनी में वांछित था यह आरोपी। देसी कट्टा, खाली रौंद और साथ ही बाइक भी बरामद की गई है इसके पास से। नू हिंसा के बाद ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। कासिम खान संवाददाता हमारे साथ इस बीच नू से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कासिम, आरोपी ओसामा उस पहलवान को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है? जी, फिरोजपुर नमक गांव का रहने वाला है ओसामा और पहलवान, इसका नाम बताया जा रहा है। इसको मुठभेड़ के बाद पैर में गोली लगी है, जिसके बाद इसे नलड़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और यह पूरी तरह से खतरे से बाहर है। इस नूह हिंसा के मामले में अब तक नूह पुलिस ने 3 लोगों को मुठभेड़ के दौरान दबोचा है, जिनके 3 के पैर में ही गोली लगी है। कासिम, क्योंकि काफी समय से बताया जा रहा था ये जो ये शख्स है, ये यहाँ पर वांछित चल रहा था, इसे गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कुछ बरामद हुआ है इसके पास से? देखिए, अभी तक इससे एक देसी तमंचा, एक खाली रौंद और एक बाइक बरामद की गई है, और इसके अलावा जितने भी यहाँ पर चाहे पुराने आरोप अपराधी है या नूह हिंसा से उनका नाम जुड़ा हुआ है, ऐसे सभी लोगों को दबोचने की प्रक्रिया जारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कासिम खान इस तमाम जानकारी के लिए। तो नलहड़ आगजनी में भी ये वांछित चल रहा था, तो नूह हिंसा के बाद ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। ओसामा को फिलहाल बता दें पुलिस ने पकड़ लिया है, मुठभेड़ भी हुई है जिस दौरान आरोपी ओसामा को पैर में गोली लगी है।